नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पूर्व पत्नी आलिया के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि आलिया ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हैं। वो अपनी मांगे मनवाने के लिए उनके छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं। आलिया पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर नवाज के खिलाफ वीडियोज पोस्ट कर रही हैं। अपने पिछले वीडियो में आलिया ने दावा किया कि नवाज ने उन्हें और उनके बच्चों को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। उनके पास न पैसे हैं न कहीं जाने की जगह। अब नवाज ने उसका जवाब दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्रमवार तरीके से आलिया के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने ये नोट शेयर करते हुए लिखा, ये कोई आरोप नहीं है, मैं बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। नवाज अपने इस नोट में लिखते हैं, मैं चुप हूँ इसलिए मुझे हर जगह बुरा आदमी बताया जा रहा है। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि ये जो तमाशा चल रहा है ये मेरे छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे। एक तरफा और तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए वीडियोस के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रेस और कुछ लोग मेरे कैरेक्टर्स पर उंगली उठा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि मैं और आलिया पिछले कई सालों से साथ नहीं रहते, हमारा तलाक हो चुका है, मगर बच्चों के लिए हमने आपसी समझ बना रखी थी। किसी को पता है कि मेरे बच्चे इंडिया में क्यों हैं या वो पिछले 45 दिनों से अपने स्कूल क्यों नहीं जा रहे, जबकि मुझे उनके स्कूल से रोज लेटर आ रहे हैं कि बच्चे इतने दिनों से कहाँ गायब हैं। मेरे बच्चों को पिछले 45 दिनों से बंधक बनाकर रखा गया है, जिसकी वजह से दुबई में उनका स्कूल छूट रहा है। पैसे मांगने के इरादे से उन्हें इंडिया बुलाने से पहले उसने यानी आलिया ने उन्हें 4 महीनों तक दुबई में अकेला छोड़ दिया था। ऑन एन एवरेज पिछले 2 सालों से मैं उसे 10 लाख रुपए प्रति महीने दे रहा हूँ। बच्चों के साथ दुबई जाने से पहले भी उसे 5 से 7 लाख रुपए हर महीने दिए जाते थे। इसमें बच्चों की स्कूल की फीस, मेडिकल, ट्रैवल और अन्य खर्चे शामिल नहीं हैं। मैंने उसकी 3 फिल्में भी फाइनेंस की जिसमें मेरे करोड़ों रुपए खर्च हुए। वो मेरे बच्चों की माँ हैं, इस नाते मैं चाहता था कि उसके लिए आय का नियमित जरिया तैयार हो जाए। मेरे बच्चों के लिए उसे लग्जरी कार दिया, मगर उसने वो कार बेचकर सारे पैसे खुद पर खर्च कर दिए। मैंने मुंबई में वर्सोवा में अपने बच्चों के लिए सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीदा। आलिया को उस अपार्टमेंट का को ओनर बनाया क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मैंने अपने बच्चों को दुबई में एक अपार्टमेंट दिया हुआ है जहाँ वो भी आराम से रहती थी। वो और पैसे चाहती है, इसलिए उसने मेरा और मेरी माँ के ऊपर कई केस किए हुए हैं। ये उसका रूटीन है, उसने पहले भी ऐसा किया है। मांग के मुताबिक पैसे मिलने के बाद वो सारे केसेस वापस ले लिए। जब भी मेरे बच्चे छुट्टियों में इंडिया आते थे तो वो अपनी दादी के साथ रहते थे। ऐसे में उन्हें कोई घर से बाहर कैसे निकाल देगा। मैं खुद उस वक्त घर पर नहीं था। जब वो हर रैंडम चीज़ का वीडियो बनाती है तो घर से निकाले जाने का वीडियो क्यों नहीं बनाया। उसने इस सब में मेरे बच्चों को घसीट दिया है। वो ये सब कुछ मुझे ब्लैकमेल करने, रेपुटेशन ख़राब करने, मेरा करियर बर्बाद करने और अपनी गैर वाजिब मांगों को पूरा करवाने के मकसद से कर रही है। आखिरी बात यह है कि दुनिया के कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों की पढ़ाई छूटे, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़े। वो उन्हें दुनिया की बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे बच्चों, दोनों बच्चों के लिए है। इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं शोरा और यानी से प्यार करता हूँ और उनके आज और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। मैं न्यायपालिका में अपना भरोसा कायम रखता हूँ। प्रेम किसी को पीछे खींचने का नहीं बल्कि उसे सही दिशा में उड़ने देने का नाम है। शुक्रिया। कुछ सालों की कोर्टशिप के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया ने 2009 में शादी की थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, बिटिया शोरा और बेटा यानी। अब नवाज और उनकी पत्नी के बीच इन बच्चों की कस्टडी को लेकर ही लड़ाई चल रही है। अगर काम की बात करें तो नवाजुद्दीन आखिरी बार टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म हीरोपंती 2 में दिखाई दिए थे। आने वाले दिनों में वो अफवाह, टीकू एड्स शेरू, जोगीरा सारा लारा, बोली चूड़ियाँ और नूरानी चेहरा जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांग ने। मैं हूं मेघना, देखते थे लेले टॉप सिनेमा। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लेले टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।